जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं उनकी, आई थिंक इंडिया से ज्यादा चाइना को खुद चिंता है, ये भी लोग बात कर रहे हैं कि चाइना विल ऑल्सो बी वरिड दैट दे वुड नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग और क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो देर आर डिफरेंट डायनामिक्स. है कि इंडिया के लिए इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब वर्ल्ड ने चाइना की औकात देख ली, वर्ल्ड को इसमें चाइना की औकात समझ आएगी। जो हमें वीक पॉइंट चाइना के पता है, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमसे चार चीजें कम ज्यादा ही पता होगी, कम तो होगी नहीं, उन्हें भी पता है। ये बस मतलब ये ना वो क्या कहते हैं ना, भोगते हैं बस, इनकी औकात कुछ करने। एक बार बताइए, अगर हमारी हिम्मत थी, औकात थी, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा ना उनको, सर्जिकल स्ट्राइक की ना हमने, बालाकोट किया ना हमने। के ऊपर अब उनका जो जजीरा है, उस जजीरे के एक छोटा सा जजीरा है उनके बिल्कुल साइड पे, जिसको क्यों मोए कहते हैं या किनमिन भी कहते हैं, वो जजीरा जो है उस जजीरे के ऊपर परवाजें हो रही। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान आने वाली थी। चीन ने भरपूर कोशिश किया कि उन्हें ताइवान आने से रोका जाए। चीन ने यहाँ तक धमकी दे डाला था कि अगर वे ताइवान आई तो उनके विमान को मारकर गिरा दिया जाएगा, लेकिन वे ताइवान आई और चली भी गई, लेकिन चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। इसे देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया भी यह मान रहा है कि चीन केवल गाल बजा सकता है, अब तो वह भारत से भी लड़ने की जरूरत नहीं कर सकता। आगे का विवरण आइए सुनते हैं। अब वर्ल्ड ने चाइना की औकात देख ली, वर्ल्ड को इसमें चाइना की औकात समझ आएगी। जो हमें वीक पॉइंट चाइना के पता है, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमसे चार चीजें कम ज्यादा ही पता होगी, कम तो होगी नहीं, उन्हें भी पता है। ये बस मतलब ये ना वो क्या कहते हैं ना, भोगते हैं बस, इनकी औकात कुछ करने की है नहीं। तो पूरे चैलेंज वैलेंज इन्होंने सब किए, जहाज उतारे, अपने फाइटर जेट भेजे, उतारा बाकायदा रही। और अंबर जी, उनको वहां की जो प्रेसिडेंट है मिस वैन, वो वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। पीएलए के रेजिंग डे के दिन वहां जाती है, ताइवान उतरती है, पूरी पीएलए ये सब एयरफोर्स वगैरह देखते रह गए, फाइटर जेट्स के साथ ही एक रात रही। उनकी प्रेसिडेंट सबसे बड़ा उन्हें सिविलियन अवार्ड देती है, किसको? अमेरिकन नंबर थ्री इन कमांड को। इतना बड़ा जो पोस्ट अधिकारी करीब 25 से 27 साल के बाद ताइवान जाता है। अब चाइना का जी जिनपिंग, चाइना की पीएलए, चाइना की सीसीपी को आज समझ नहीं आ रहा क्या करे। अब देखिए मजे की बात क्या है, जब वो निकल जाती है उसके अगले दिन ये कहते जी अब हम वो कि इंडिया के लिए इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कल को, कल कलां को यहाँ पे लिमिटेड स्केल जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं उनकी, आई थिंक इंडिया से ज्यादा चाइना को खुद चिंता है, ये भी लोग बात कर रहे हैं कि चाइना विल ऑल्सो बी वरिड दैट दे वुड नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग और क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो देर आर डिफरेंट डायनामिक्स। क्या आप जनरली समझती हैं, एंड पर्टिकुलरली कीपिंग दिस नैन्सी पेलोसी विजिट को भी ज़हन में रखते हुए, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हो सकते हैं इसके? टू बी ऑनेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस के मामले में तो अगेन इट इज वेरी वेरी मच डिवाइडेड ऑन द लाइंस कि कौन इसको कितना एस्केलेट होता हुआ देख रहा है इस सिचुएशन को। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डेफिनेटली लोग बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियली ट्रेड वाइज कॉन्फ्लिक्ट के कितने इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो। एक बार बताइए, अगर हमारी हिम्मत थी, औकात थी, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा ना उनको, सर्जिकल स्ट्राइक की ना हमने, बालाकोट किया ना हमने, पुतिन की औकात थी, उसने जाके एक अटैक किया ना, पूरी नेटो एक तरफ, पूरी अमेरिका एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, पुतिन ने अटैक किया, क्या कर पाया पुतिन का? अगर आपकी औकात थी, अगर आपकी हसलियत थी, अगर आप में हसियत है तो रोक देते। तो अगर आप कहते हैं प्लेन गिरा देंगे, गिरा देते प्लेन। सच कह रहा हूं अंबर जी, अगर आप टेक्निकली ना देखें इसको, ना वो ताइवान से लड़ सकते और ना वो ताइवान को कभी मिलिट्रीली चाइना नहीं जीत सकता। आप चाहे तो इसके गलत करेंगे क्यों, अमेरिका को हरा नहीं सकते, ताइवान को आप जीत नहीं सकते, और जो आपकी इकोनॉमी है, अगर आपने ये लड़ाई ले ली होती तो आपकी इकोनॉमी जो बचा कुछ है वो भी तबाह और बर्बाद हो जाती। आज उनकी असली चेहरा निकल दूंगा। ये चाइना आपको सुपर पावर कहता है ना, सुपर पावर है, ये है वो है, दुनिया में केवल दो कंट्रियां हैं अंबर जी जो जिन्होंने चाइना के लिए बोला। एक तो पाकिस्तान, जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो जहां खड़ा कर देंगे वहां खड़ा हो जाएगा, रशिया ने बोला। 200 से ज्यादा कंट्रियां हैं इस दुनिया में, केवल दो कंट्रियां चाइना को सपोर्ट करती है, ये है चाइनीज पावर, ये है चाइनीज क्लाउड, ये है सुपर पावर चाइना, ये इनका वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में। आउट ऑफ 200 कंट्रीज, टू कंट्रीज सपोर्ट। आप क्या समझती हैं, पीपल इन इंडिया
दे आर रेडी, दे लुक टूवर्ड्स चाइना कि हमारा इनके साथ कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट होगा. एक अंडरस्टैंडिंग होती है विद इन पीपल. जनरल जब आप लोगों से मिलते हैं तो यू फाइंड के भाई ये तो वी आर गेटिंग टूवर्ड्स एस्केलेशन. तो क्या ये एक चीज है इंडिया के अंदर कि भाई चाइना के साथ हमारा कुछ ना कुछ मसला होगा मुस्तकबिल? कंसर्न जरूर हैं और वो ज्यादातर बॉर्डर रीजन्स को लेकर के हैं और वो टेरिटरीज को लेकर के हैं, क्योंकि जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स इन जनरल कुछ सालों पहले तक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेकर के होता था, वो अभी थोड़ा सा डिफरेंट भी है. और गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, मीडिया कैसे रिएक्ट करती है, उन सब चीज़ों पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. चाइना को लेकर के बहुत स्ट्रांग व्यूज हैं इंडिया में. के ऊपर अब उनका जो जजीरा है, उस जजीरे के एक छोटा सा जजीरा है उनके बिल्कुल साइड पे, जिसको क्यों मोए कहते हैं या किनमिन भी कहते हैं. वो जजीरा जो है, उस जजीरे के ऊपर परवाजें हो रही हैं कि दुनिया में कौन से मुल्क हैं जो ताइवान को मानते हैं. अब कोई मदद करने जाएगा ताइवान की तो कैसे, कहीं किसी मुल्क, कौन कौन से मुल्कों में है जनाब, ये अगर हम दिखा सकें तो सेंट्स किट एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, ये मुल्क हैं जो कि ताइवान को मानते हैं. उसके बाद बेलिजी, उसके बाद होंडुरस, फिर हेटी, फिर पैरागोए, फिर मार्शल आइलैंड्स, फिर पलाओ, फिर वेटिकन सिटी, ये मुल्क हैं जो ताइवान को मानते हैं, बाकी मुल्क तो मानते ही नहीं है. सर, तो सर, ये, बहुत ये, शुक्रिया ये डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में ये, इसको तो, इसको सिर्फ इस मैप को जरा थोड़ा सा ऊपर करके, पूरी दुनिया में ये मुल्क जो है ये ताइवान को मानते हैं, बाकी मुल्क मानते ही नहीं है ताइवान को, तो मदद कैसे करेंगे? ठीक है. तो बात यह है सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में, ये उनकी अपनी ताइवान की, इस पूरी पिक्चर में वहां पर क्या इमर्ज होता है अगले 24-48 घंटों में, ये हम. चीन ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है और इसमें कुछ सच्चाई भी है. जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का अभ्युदय हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी और वहां में मौजूद जो पार्टियां थी, जिसमें दक्षिण पार्टियां प्रमुख थी, उनके बीच संघर्ष हुआ और संघर्ष सिविल वार यानी गृह युद्ध में बदल गया. इससे जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी लोग थे वे भागकर आकर ताइवान के द्वीप पर आ गए. यह ताइवान का द्वीप पहले जापान के कब्जे में था, वैसे तो जापान के कब्जे में आधा से ज़्यादा चीन ही था, और जिस तरह हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे उसी तरह चीन भी जापानियों के गुलामी के अंडर रह चुका था. लेकिन अब ताइवानी यहाँ भागकर आए और ताइवानियों ने अपने बल पर, अपने ईमानदारी के बल पर अपने को विकास किया और आज ताइवान एक बहुत बड़ा विकसित देश हो गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़े बड़े विकासशील देशों के बराबर है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ताइवान है वह माइक्रोचिप का सबसे बड़ा निर्माता है, और यह माइक्रोचिप एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, चाहे हवाई जहाज हो या रिमोट हो या मोटरसाइकिल हो या मोबाइल फ़ोन हो, सभी जगह यह लगता है और चीन की नज़र इसी माइक्रोचिप पर है. चीन कहता है कि ताइवान अलग से देश नहीं है और चीन के ही डर से कोई भी देश, बड़े देश जितने भी हैं जिसमें भारत भी शामिल है, अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दिया है. ताइवान को मान्यता देने वाले बहुत छोटे छोटे देश हैं. अब चीन पहले तो अपने विकास में लगा था, जब वह आर्थिक विकास कर लिया तो वह अब विस्तारवादी रवैया अपनाने लगा, और इस विस्तारवादी रवैये के चलते चीन पहले हांगकांग पर अपना कब्जा माना और फिर अब ताइवान पर उसकी नज़र है. लेकिन ताइवान एक हकीकत है, ताइवान को अब किसी भी तरह से, जब ताइवान के लोग नहीं चाहते हैं तो चीन में शामिल करना कानूनी दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से वाजिब नहीं है. और अमेरिका यही कहता है कि, अमेरिका भी कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ उसने एक शर्त लगा दिया है कि ताइवान का हिस्सा तभी होगा जब ताइवान के लोग जनमत संग्रह में चीन के साथ रहना स्वीकार किए. और इसी का फायदा चीन उठाता है कि जब अमेरिका मानता है वन चीन चाइना पॉलिसी, तो फिर ताइवान को चीन में मिलाने से अमेरिका क्यों दखल दे रहा है. लेकिन यह दरअसल लड़ाई वर्चस्व की है. अब चीन, अमेरिका जो अकेला सुपर पावर है उसको चुनौती दे रहा है. पहले चीन अमेरिका का समर्थक था, जो वीटो पावर था वह पहले ताइवान के पास ही था, लेकिन अमेरिका ने ही, चूँकि अमेरिका चीन का उस समय 60-40 था, तो अमेरिका ने ही ताइवान से, चूँकि ताइवान छोटा देश था, उससे वीटो पावर, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ताइवान मेंबर भी था और वीटो पावर भी था, लेकिन अमेरिका ने ही वही वीटो पावर वहाँ से लेके चीन को वीटो पावर दिया और चीन को ही वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप दिया गया, और ताइवान को, चूँकि चीन को मेंबरशिप मिला था, ताइवान को निकाल दिया गया. तो जितनी बदहजमी है पूरी दुनिया में पहले अमेरिका फैलाता है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट वहाँ पर
फायदा होता है, लेकिन जब अमेरिका का इंटरेस्ट फायदा में नहीं होता है तो फिर अमेरिका एक नई नीति चलता है। भारत इससे अवगत है, भारत अमेरिका के बल पर नहीं अपने बल पर चीन से मुकाबला करने के लिए अपने को हर तरफ से मजबूत कर रहा है, और यही कारण है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कहा जा रहा है कि एक छोटे से ताइवान से चीन नहीं निपट सकता, उसको अगर उसके पास इतनी शक्ति होती तो अब तक ताइवान को अपने में हड़प कर जाता, लेकिन जब ताइवान में उसकी दाल नहीं गली तो भारत जैसे शक्ति संपन्न जो विश्व का आज तीसरा बड़ा आर्थिक महाशक्ति 2027 तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बनने जा रहा है, और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से यानी चीन और अमेरिका से भी तेजी से ऊपर की ओर जा रही है, और भारत वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 के अनुसार तीसरी बड़ी सामरिक महाशक्ति भी है, तो फिर भारत के साथ वो लड़ने की कैसे जरूरत करेगा। हम लोग हालांकि तैयार बैठे हैं, क्योंकि अगर अभी जो ताइवान के मामले में केवल पाकिस्तान का ही समर्थन चीन को मिला तो हो सकता है कि अगर भारत के साथ कभी चीन वैसा करने की हालांकि कोशिश नहीं करेगा, अगर कोशिश किया तो पाकिस्तान भी चीन के साथ खड़ा हो जाएगा, तो भारत दोनों के लिए तैयार है कि एक साथ अगर टू फ्रंट वार हुआ तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और इसीलिए भारत अपने को रक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन अपने को और मजबूत बनाते जा रहा है, और साथ साथ रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक शक्ति का भी होना जरूरी है। भारत उस पथ पर भी सबसे तेज गति से अग्रसर हो रहा है, और हम लोग का अगर सहयोग रहा तो भारत सरकार बहुत जल्द ही विश्व की एक बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगी। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।